गाइस, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू तूफान खबरें। आज का वीडियो से कुछ अलग होने वाला है क्योंकि हम नहीं जाके कोई पॉलिटिशियन को कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक वुमेन सेफ्टी के ऊपर होगा। चलिए देखते हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट वुमेन सेफ्टी इन इंडिया? इंडिया में वुमेन्स के लिए सेफ्टी इतनी है नहीं। अभी जैसे हम देखने जाए तो अगर मुंबई है तो मुंबई में जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत ही कड़क है। हाँ। तो वो वुमेन्स के सेफ्टी के लिए मतलब कोई क्राइम करता ही नहीं है मुंबई। वुमेन्स को कोई मोलेस्टेशन वो कुछ करता ही नहीं। हाँ। क्योंकि सबको पता है कि मुंबई पुलिस बहुत स्ट्रांग है। तो मुंबई को छोड़ के अगर बाकी ऑल ओवर इंडिया में जाए तो ये क्राइम बहुत बढ़ रहा है और रोज़ बढ़ ही रहा है और कोई कुछ बोलता भी नहीं है। वुमेन सेफ्टी सिर्फ नाम मात्र रहेगा। हाँ, मतलब लोग बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोग बोलते हैं सिर्फ, लेकिन तो अमल में लाना चाहिए वो नारा। हाँ। वो बहुत कम अमल में आ रहा है वो। ओके, देखिए अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अवेयरनेस है, जानते हैं महाराष्ट्र और बाहर की चीज़ जितना चाहिए उतना नहीं है, और अवेयरनेस की और सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। और महाराष्ट्र के बाहर देखने जाएगा वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी नंबर्स आते हैं, न्यूज़ आते हैं, वो बहुत ही ख़राब आते हैं और मैं चाहता हूँ कि सिस्टम उसके ऊपर काफ़ी सारा काम करे। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि रेप इज़ द मोस्ट कॉमन क्राइम इन इंडिया एंड रेप क्राइम इज़ द फोर्थ कॉमन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। और ये मैं नहीं बोल रहा, विकीपीडिया पे बता रहा है। यही क्वेश्चन मैंने उन लोगों से किया, आइए देखते उनका क्या कहना था। हम NCRB रिपोर्ट, ये भी आपको मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, NCRB रिपोर्ट बोलता है अबाउट 32,000 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। कि हम देखते हैं न्यूज़ पे, जो सुनते हैं, जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हमको मोबाइल में भी आजकल अभी न्यूज़ आने लगी है, तुरंत फटाफट फॉरवर्ड होता है व्हाट्सएप पे भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इतने सारे। तो अभी ये क्राइम ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? सकते जिनको लगता होगा कि सिस्टम में हम कुछ पैसा दबाव देके छूट सकते हैं, उसमें बदलाव करके स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करने चाहिए, एक्शंस फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है, जो भी कार्रवाई है फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए, तो वो समझ में आ जाएगा, वो नंबर्स कम होते जाएंगे। ओके, जो किसी को जस्टिस नहीं मिलती गरीब को, अगर अमीर की बेटी के साथ रेप हुआ तो तुरंत 24 आवर्स में उसको जस्टिस मिल जाती है, लेकिन गरीब लड़की के साथ रेप हुआ तो उसको फिर मुद्दा बनाया जाता है पॉलिटिकल लेवल पे, फिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, बाद में बॉलीवुड वाले एंटर होते हैं, वो भी अपना TRP गेन करते हैं। रजिस्टर्ड नंबर 32,000 और अनरजिस्टर्ड हमें नहीं पता, आपको क्या लगता है अनरजिस्टर्ड का काउंट उससे 2 times बड़ा भी हो सकता है? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं कि बदनामी ना हो और चीज़ें हैं, इसके लिए नंबर्स बाहर नहीं निकलते हैं। नंबर्स जो भी 32,000 भी है वो भी ज़्यादा है, एक्चुअल में जो नंबर्स होंगे उससे भी ज़्यादा होंगे, बट ये नंबर्स यानी कि वो खतरनाक हादसे है, परिवार है और उनके सारे लोग हैं। तो एक भी नंबर्स आ जाता है और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई अगर सही से की जाती है तो आगे आने वाले नंबर्स और कम भी होंगे और सेफ्टी मैटर भी अच्छे से दिखाई देगा। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन उनसे ये था कि व्हाट डू रिपोर्टर्स, जैसे कि TRP स्कैम आप देख सकते हो ट्रेंडिंग है, और दूसरा पॉलिटिशियंस, तीसरा बॉलीवुड एक्टर्स, व्हाट दे डू दे मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट, तो इन पर उनका क्या कहना था देखते हैं। और बॉलीवुड देखने जाए तो बॉलीवुड को तो सिर्फ एक स्टोरी चाहिए कि भाई इसको ब्लॉकबस्टर मूवी कैसे बनाया जाए, प्रॉफिट होता है, जैसे ट्विटर पे कैंपेन चलाएंगे ये चलाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कुछ नहीं करता, ये सब अपना मतलब इमेज बढ़ाने का काम करते हैं, उसके ऊपर एजेंडा चलाने का काम करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑब्वियसली निकालते हैं, उसमें तो मैं मानता ही हूँ। हाँ, TRP देने वाले जो पब्लिक है उन्होंने सोचना चाहिए कि उसमें सच्चाई क्या है, और एक्चुअली उनको वो न्यूज़ किसी तरह से उसको चेक करना चाहिए, और क्रॉस चेकिंग जो है वो पब्लिक ने करना चाहिए, उनके ऊपर कितना ध्यान देना है नहीं देना है वो पब्लिक के ऊपर मैटर करता है। व्हाट यू थिंक जनरेशन मैटर्स इन दिस वुमेन सेफ्टी, लाइक पहले के लोगों का थॉट प्रोसेस अलग था और अभी के लोगों का थॉट प्रोसेस शायद से अलग है? ये एक्चुअली आपने बहुत अच्छा बात किया, थॉट प्रोसेस तो मैं गलत, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, जितनी है उतनी काफ़ी नहीं है। आज की जनरेशन शायद थोड़ी बहुत सुधार है, लेकिन देखा जाए कि जो सोशल मीडिया है स्पेशली जो बच्चों के लिए वो खतरनाक बनते जा रहे हैं।
की संस्कृति ये नहीं थी। एंशियंट इंडिया आप देखेंगे ना तो वुमन सेफ्टी के लिए कितना लोग करते थे, कितनी सेफ रहती थी पहले की, पहले दौर की लड़कियाँ। जब से इन्वेडर्स आए तब से पूरा इन लोगों ने सब चेंज कर दिया, हमारी संस्कृति छीन ली, हमसे हमारे सब जो राइट्स थे वो छीन लिए। वैसा भी देखे तो जैसे मोबाइल बढ़ गया, टीवी बढ़ गया, इन सब के कारण मुझे लगता है कि क्राइम का मतलब परसेंटेज भी बढ़ गया है। जैसे पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थे तो आदमी मतलब अपने आप में बिजी रहता था, लेकिन अभी ये मोबाइल की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी देख लीजिए कि मतलब वो गलत गलत चीज़ें देखेंगे। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि ज़्यादातर वुमेन क्राइम वो गरीब लोगों पर क्यों होता है, तो चलिए जानते उनका क्या कहना है। बोल सकते हैं कि पुअर के साथ जो होता है वो मतलब अट्रैक्ट नहीं होता, लोगों को जब पहुँचता नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। गरीब लोगों के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि सबको पता है कि गरीब कुछ करने वाला है नहीं, क्योंकि गरीब के पास कुछ राइट्स नहीं है, ना उसके पास पैसे है कि वो वकील कर सके, ना उसकी पहचान है। अगर वही सेम क्राइम अमीर की लड़की के साथ होता है तो अपनी पहचान लगा के कॉरपोरेटर, MLA ये वगैरह, न्यूज़ वाला ये वो, उसकी पहचान लगा के बड़े बड़े वकील हायर करता है और ये 24 आवर्स में या 15 दिन में SIT कोर्ट में जाके इन लोग का केस सोल्व हो जाता है। लेकिन गरीब की लड़की का केस होता है तो कोई साथ में भी नहीं चलता है FIR करने को। वो तो नहीं, उसका रीज़न भी होगा ना, जो भी क्राइम करता होगा वो पहले ये सोचता होगा इसको मैं दबा सकता हूँ कि नहीं, यानी कि मैं सिस्टम का यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं, सिस्टम को मरोड़ सकता कि नहीं। तो इसके लिए गरीब लोगों पर उनको टारगेट करने का रीज़न वही होता है ना कि शायद वो कानून का सहारा ज़्यादा नहीं, हाँ बिल्कुल आवाज़ उठ नहीं सके। बिल्कुल लोगों का रिएक्शन देखा आपने वुमेन सेफ्टी को लेकर, और इसी तरह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताना। एंड तूफ़ान खबरें के साथ बने रहिए, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट www.toofankhabre.com है, प्लीज़ विज़िट कीजिए।